गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर फिट, फाइन एंड हेल्दी एंड स्टेइंग एट योर होम. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 7, वर्किंग इन एमएस वर्ड, दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 69. सो टुडे वी विल डू पेज नंबर 69 एंड 70 ऑफ आवर कंप्यूटर बुक. लेट्स स्टार्ट चैप्टर 7, वर्किंग इन एमएस वर्ड. आई हैव रिटन अ लेटर ऑन अ शीट ऑफ पेपर. सपोज बेटा आपने कोई भी लेटर पेपर पर राइट कर लिया है, अब आपको क्या करना है, उसमें चेंजेस करने हैं. तो आपको सपोज बीच में 2 लाइंस ऐड करनी हैं, तो आपको पहले इरेज करना पड़ेगा, फिर आप उसमें लाइंस ऐड कर सकते हैं. सो दैट इज़ वेरी टायरिंग. तो यहाँ पर जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, इट इज़ अ सॉफ्टवेयर, इसमें हम चेंजेस बहुत ही इजीली कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं. क्लियर? इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट वर्ड 2016 विंडो. हम 2016 विंडो के बारे में पढ़ेंगे, वर्ड 2016 की विंडो के बारे में पढ़ेंगे. देन टाइपिंग टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट, कि डॉक्यूमेंट में हम टेक्स्ट को कैसे टाइप करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे. और थर्ड है एडिटिंग टेक्स्ट, और थर्ड हम पढ़ेंगे एडिटिंग टेक्स्ट. एडिटिंग मतलब चेंजेस, टेक्स्ट में चेंजेस कैसे करने हैं उसके बारे में पढ़ेंगे. नाउ वी विल डू न्यू वर्ड्स ऑफ दिस चैप्टर. लेट्स स्टार्ट न्यू वर्ड्स ऑफ दिस चैप्टर. फर्स्ट इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, MICROSOFT, माइक्रोसॉफ्ट, WORD, वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बेटा एक सॉफ्टवेयर है जिसमें कि हम टाइपिंग कर सकते हैं. क्लियर? सेकेंड इज डॉक्यूमेंट, DOCUMENT, डॉक्यूमेंट. जैसा आप कॉपी में काम करते हैं, आपके लिए वो नोटबुक है, आप नोटबुक में अपना काम स्टोर करते हैं, इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम अपना वर्क डॉक्यूमेंट में करते हैं. क्लियर? थर्ड इज अंडू, UNDO, अंडू. अंडू मीन्स कि ये क्या करता है, आपकी किसी भी एक्शन को रिवर्स करता है. सपोज आपने कोई वर्ड राइट किया है, आपको वो वर्ड नहीं चाहिए, यू कैन यूज अंडू. अंडू करने से वो वर्ड वहां से इरेज हो जाएगा. फोर्थ इज रीडू, RED O, रीडू. रीडू करने से क्या होगा, री मतलब दोबारा, डू मतलब करना, किसी काम को दोबारा से वापस लेकर के आना. सपोज आपने कोई वर्ड अंडू कर दिया, आप उसको वापस लाना चाहते हैं, आप रीडू कर देंगे. क्लियर? फिफ्थ इज क्लिपबोर्ड, CLIPBOARD, क्लिपबोर्ड. क्लिपबोर्ड क्या है बेटा, जब हम किसी भी डेटा को कॉपी या कट करते हैं तो वो कहां स्टोर हो जाता है, क्लिपबोर्ड के अंदर. जब तक कि हम उसको पेस्ट नहीं करते, वो कहां स्टोर रहता है, क्लिपबोर्ड के अंदर. सो इट इज अ टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ द डेटा दैट वी कट और कॉपी. नाउ वी विल डू रीडिंग ऑफ दिस चैप्टर. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड वर्ड प्रोसेसर्स. बेटा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ये एक वर्ड प्रोसेसर है, दैट मीन्स इट इज यूज्ड फॉर टाइपिंग. इट वॉज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन इन 1983 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा इसको डेवलप किया गया था. यूजिंग दिस प्रोग्राम वन कैन ईजिली टाइप, एडिट, फॉर्मेट एंड प्रिंट टेक्स्ट. इसकी इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से बेटा हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं. एडिट मीन्स इसमें चेंजेस कर सकते हैं.
फॉर्मेट मीन्स इसके फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं, दैट मीन्स इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, सुंदर बना सकते हैं अपने टेक्स्ट को, क्लियर, और उसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। नाउ वी विल लर्न अबाउट पार्ट्स ऑफ एमएस वर्ड 2016 विंडो। ऑन पेज नंबर 69 एमएस वर्ड विंडो इज गिवन। लेट सी द पार्ट्स ऑफ दिस विंडो। देखिए बेटा, सबसे ऊपर ये जो आपको ब्लू कलर की लाइन दिखाई दे रही है, दिस इज टाइटल बार। ये क्या है? टाइटल बार। और लेफ्ट साइड पर देखिए, ये आपको आइकन्स दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे, ये क्या है? इतना पोर्शन। दिस इज क्विक असेस टूल बार। यहाँ पर देखिए बेटा, आपको एक स्केल जैसा दिखाई दे रहा है, लाइंस लगी हुई हैं, स्केल जैसा दिखाई दे रहा है। दिस इज हॉरिजॉन्टल रूलर। हॉरिजॉन्टल मीन्स जो लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है, दिस इज हॉरिजॉन्टल रूलर। अब देखिए ये जो लिखा हुआ है, दिस इज फाइल टैब, एफ आई एल ई, फाइल, फाइल टैब। फाइल टैब के अंडर बेटा ये जो आपको कमांड्स दिखाई दे रही हैं सारी, दिस इज कॉल्ड अ रिबन। इसको रिबन बोलते हैं, क्लियर। अब देखिए आपको एक स्केल इधर भी दिखाई दे रहा है, टॉप टू बॉटम। दिस इज कॉल्ड वर्टिकल रूलर। इसको हम वर्टिकल रूलर बोलते हैं, जो टॉप से बॉटम की साइड होता है। नाउ वी विल लर्न अबाउट पार्ट्स ऑफ एमएस वर्ड 2016 विंडो। स्टेटस बार, ये हमारा क्या है? स्टेटस बार। यहां पर बेटा आपको ये जो है, ये जूम स्लाइडर है, यहां से आप अपने डॉक्यूमेंट एरिया को जूम कर सकते हैं। दिस इज जूम स्लाइडर। एंड दिस वन इज व्यू बटन। यहां पर आपका व्यू बटन है, जिसकी हेल्प से आप अपने डॉक्यूमेंट का व्यू चेक कर सकते हैं, क्लियर। एंड दिस इज डॉक्यूमेंट एरिया, और वी कैन से वर्क एरिया, जहाँ पर कि हम काम करते हैं, जहाँ पर हम टाइपिंग करते हैं, क्लियर। नाउ ओपन योर बुक्स ऑन पेज नंबर 70। टाइपिंग टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट एज द वर्ड विंडो opens, the blinking cursor appears at the top left corner of the document area. बेटा जैसे ही हमारी वर्ड विंडो ओपन होती है, तो आप देखेंगे कि कर्सर जो है लेफ्ट टॉप कॉर्नर पर ब्लिंक कर रहा होगा, क्लियर। एक छोटी सी लाइन जो ब्लिंक कर रही होती है, उसको हम कर्सर बोलते हैं। दिस इंडिकेट्स द पॉइंट From where you can begin typing the text, और वो point indicate करता है कि यहाँ से आप अपनी typing start कर सकते हैं। जैसे आप notebook में write करते हैं, कहाँ से करते हैं? Left top corner से, ठीक है, left side से start करते हैं ना ऊपर से लिखना। इसी तरह से word document में भी बेटा हम left top corner से ही write करना start करते हैं। Cool tip, press enter key टू स्टार्ट अ न्यू पैराग्राफ। जब हमें न्यू लाइन में जाना है, न्यू पैराग्राफ स्टार्ट करना है, तो उसके लिए हम कौन सी की प्रेस करेंगे? एंटर की। नाउ वी विल सी प्रैक्टिकली हाउ वी टाइप टेक्स्ट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। नाउ वी विल लर्न हाउ वी कैन एंटर टेक्स्ट इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट। ये देखिए, ये कर्सर ब्लिंक कर रहा है और साथ साथ ये टाइपिंग भी कर रहा है, क्लियर। नाउ वी विल लर्न हाउ वी कैन एडिट टेक्स्ट इन वर्ड डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट इज एडिटिंग टेक्स्ट, मेकिंग टेक्सचुअल चेंजेस इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड एडिटिंग। बेटा जब हम टाइपिंग कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद जब हम उसके अंदर चेंजेस करते हैं, उसको हम बोलते हैं एडिटिंग। जैसा कि आप नोटबुक में वर्क करते हो,
नोटबुक में वर्क करने के बाद आप उसमें चेंजेस करते हो, मैम कहती हैं कि आपका कुछ रॉन्ग है तो आप इरेज करके उसको ठीक भी करते हैं ना, तो दिस इज कॉल्ड एडिटिंग। इसी तरह से हम वर्ड में जब चेंजेस करते हैं अपने डॉक्यूमेंट में, दिस इज कॉल्ड एडिटिंग। एडिटिंग टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट इंक्लूड्स इंसर्टिंग, सिलेक्टिंग, डिलीटिंग, कॉपिंग एंड मूविंग टेक्स्ट। एडिटिंग का क्या मतलब है? एडिटिंग में आप कुछ भी और इंसर्ट कर सकते हो, इंसर्ट मतलब और भी कुछ राइट कर सकते हो, उसमें ऐड कर सकते हो। सिलेक्ट मीन्स आप किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हो। डिलीटिंग, आप किसी टेक्स्ट को इरेज कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। कॉपिंग, आप किसी टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हो, ठीक है। और मूविंग, आप किसी टेक्स्ट को मूव कर सकते हो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर। क्लियर? जैसा कि नोटबुक में भी आप करते हो, मैम काम देती हैं आपको, मैम कहती हैं इसमें 4 lines और ऐड करो, तो आप उसमें 4 lines और राइट कर देते हो, ये क्या हो गया आपका? इंसर्टिंग, ठीक है। डिलीटिंग, आप इरेज करते हो, दैट इज कॉल्ड डिलीटिंग। कॉपिंग, एक लाइन को 2 times या 3 times आप राइट कर देते हो, दैट इज कॉल्ड कॉपिंग, आपने कॉपी कर लिया उसको। मूविंग, अब मैम ने ये बोला कि इस लाइन को यहाँ से इरेज करके यहाँ नीचे राइट कर दीजिए, तो वो आपका हो गया मूविंग। इसी तरह से हम जो एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट है उसमें भी हम ये कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एडिटिंग टेक्स्ट। नाउ वी विल डू प्रैक्टिकल। ओके, यस बेटा, सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करना सीखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। ये देखिए, ये हमारा स्टार्ट बटन है नीचे, यहाँ पर क्लिक करेंगे। देन टाइप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इन द सर्च बॉक्स। सर्च बॉक्स पर टाइप करने के बाद यहाँ पर आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 आ जाएगा। अगर आपके पास 16 है तो 16 आ जाएगा। ओपन इट। This is Microsoft Word window and see this blinking line. ये blinking line देखिए बेटा, ये line blink कर रही है, this is cursor. और हम इसमें typing कर रहे हैं, हाँ, that means we can do typing in Microsoft Word. I like to play. Now next line में आने के लिए हम कौन सी key press करेंगे? एंटर की। आई स्टडी फॉर 5 hours इन अ डे। हमने 2 sentences टाइप कर लिए। अब हम इसकी एडिटिंग करेंगे। एडिटिंग मीन्स इसमें चेंजेस करेंगे। क्लियर? अब हम करेंगे I like to study. Play की प्लेस पर हम study write करेंगे, इसको हम erase करेंगे backspace key की help से, and we will write over here study, study, study. और यहाँ पर हम 5 hours की जगह पर यहाँ पर हम कर देंगे 8 hours. 4, 8 hours in a day. So this is called editing. Changes करने को हम क्या बोलते हैं? Editing. Clear? Now quiz time. First question is, who is the inventor of Google? Google किसने invent किया था? Think. Yes, the name of the inventor of the Google is Larry Page. Now, next question, who invented computer mouse? Computer mouse किसने invent किया था? Think. Yes, Douglas Carr Angelbert is the inventor of
कंप्यूटर, माउस। थर्ड क्वेश्चन इज हु इज फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का फाउंडर कौन है? थिंक। यस, बिल गेट्स इज द फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव।